राइट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसमें किसमें स्टडी कर रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरिल हैलाइड। एरिल एक मिनट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरिल हैलाइड, इन एरिल हैलाइड राइट। तो इसमें एक बात ये थी कि हैलोजन जो एरिल हैलाइड में हैलोजन एटम है, सो इसके ऊपर तीन लोन पेयर रहते हैं। सो दिस ग्रुप एक्ट एज अ प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा, और लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा। तो प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हाँ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। हाँ ओके। सो ओवरऑलली क्या होता बोले तो, ओवरऑलली क्या होता बोले तो, एरिल हैलोजन एटम जो भी हैलोजन एटम है बेंजीन के ऊपर, वो रिंग को क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट ही करेगा, डीएक्टिवेट। कल सांगितलो तो कल बताया था माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट इन केस ऑफ हैलोजन बोल के बोला था, अदरवाइज एनी टाइम M is greater than I, but in case of halogen, minus I is greater than plus M. Okay? तो ये हो गया। So in aryl halide, halogen atom show plus M effect and minus I effect. So due to plus M effect, electron density increases at ortho and para position. Due to minus I effect, electron density decreases at ortho and para position. So overall ring क्या होता, deactivate हो जाता। ये यहाँ तक हो गया था कल, ठीक है। अभी so plus I और minus I effect के वजह से electrophilic substitution reactions normal condition में नहीं होते, इसलिए drastic condition means temperature, pressure, catalyst वो use करना पड़ता आपको, ठीक है ओके। एवडा क्लियर है ना था। सो नेक्स्ट आता एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल है फर्स्ट हैलोजिनेशन, लिखते रहो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स अब आपको लेना है एक एरिल हैलाइड लेना है। सपोज मैंने क्लोरोबेंजीन को अभी हैलोजिनेशन करना है, मतलब हैलोजन को ऐड करना है, मतलब एरिल हैलाइड जो भी एरिल हैलाइड है उसके ऊपर हर एक हैलोजन को आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो क्लोरोबेंजीन को मैंने क्या किया, क्लोरीनेशन ही किया इन प्रेजेंस ऑफ लिविस कैटलिस्ट, पता है आपको अनहाइड्रस AlCl3, हाँ AlCl3 आपको पता है ना, लिविस कैटलिस्ट मींस लिविस एसिड लाइक FeCl3 AlCl3 एक्सेट्रा। तो ये जो है, हाँ क्या करना है आपको अभी ओरली, ये क्या कर रहा, प्लस आई एम एफ की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रहा,
ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है तो यहाँ पर तो सीएल वैसे रहेगा, एक सीएल ऑर्थो पे ऑर्थो के ऊपर जाएगा और एक सीएल पैरा के ऊपर जाएगा, और जहां पे सीएल जा रहा वहां से एच निकला और इसमें का एक सीएल एच सी एल बाहर निकल जाता। तो ये हो गया आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अभी इसमें मेजर कौन सा है, मेजर कौन सा है? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 हाँ, दिस इज 1,4 1,4 इट इज मेजर एंड इट इज माइनर। क्यों बोले तो दोनों ग्रुप एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट होने के वजह से, बल्कि ग्रुप एडजेसेंट होने के वजह से यहाँ पे क्या होता, रिपल्शन, रिपल्शन राइट, और ये दूर दूर होने के वजह से यहाँ पे रिपल्शन मिनिमाइज होके ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा राइट। सो ये झालं तुमचं रिएक्शन, झालं रिएक्शन हैलोजिनेशन। स्टेटमेंट सांगायचं ना, वेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3 टू गिव अ मिक्सचर ऑफ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन राइट। सो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। हे झालं तुमचं रिएक्शन। अब इसका मेकॅनिझम अगर देखते हैं, मैकेनिज्म रिएक्शन क्या था अपना, वो तो लिख लिया पहले। हाँ तो मैकेनिज्म पहला स्टेप क्या है मालूम है आपको, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल राइट। सांगा लवकर लवकर, क्लोरीन लिया था ClCl इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये क्या है, लिविस एसिड है। हाँ क्या होता है, यहां से ये Cl ले लिया तो Cl प्लस प्लस क्या फॉर्म हुआ, FeCl4 माइनस, सो दिस इज एक्ट एज अ लिविस बेस। सो दूसरा स्टेप क्या है, सब पता है, बता रहे नहीं, अटैक ऑन न्यूक्लियस, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सीए इलेक्ट्रोफाइल है ना ये, हाँ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते इसको, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स राइट। जल्दी बताओ अब क्या करना है, बेंजीन लेना है, देखो क्लोरोबेंजीन अपना इनिशियल कंपाउंड राइट। सो अभी कौन है यहाँ पे, सीएल प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये अभी इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है ना ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया रेजोनेंस में, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा, माइनस, तो ये माइनस, हाँ तो बगा काय झाला, यहाँ पे सीएल, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया प्लस, क्यों बोला तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए और यहाँ पे कौन आया Cl, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसका अभी रेजोनेंस हो जाता, इसका रेजोनेंस हो गया, सिंपली अपन एक फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा, दिस पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज हो जाता, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही है राइट। लास्ट अभी तीसरा स्टेप का है, रिमूवल ऑफ एच प्लस, H+ को रिमूव करना है कि नहीं, कहां से रिमूव करना है बोलो, जल्दी बोलो, बेंजीन, हाँ तो बेंजीन में कहां से, जहां पर Cl आया ना अपना 2-chlorobenzene, हो रे कुठून काढायचं एच, ऑर्थो क्लोरीन वरून Cl च्या बाजून सेकंड कार्बन, यहां पर प्लस चार्ज है ना बेटा, तो ये सीएल जहां पर आया वहीं से क्या निकलना, एच निकल जाना,
तो यहाँ पर कौन आया फिर FeCl4 का हेल्प, यहाँ से Cl- रिलीज होता, FeCl4 जो है ये वाला लिविस बेस है, ये फिर से Cl रिलीज करेगा और यहाँ से H+ निकलेगा ये, और ये H+ निकलने के बाद यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर एक Cl, और निकला क्या ये वाला H+ और ये वाला Cl-, तो HCl निकल गया प्लस FeCl3 एज इट इज बाहर कैटलिस्ट के फॉर्म में, राइट क्लियर है ना। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो भी आप जो भी क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन में जो भी यूज कर रहे हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ लिविस कैटलिस्ट क्या होता वहां पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाता, और सेकंड स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक होता आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक होता। अब मैंने यहाँ पे आपको आर्थो बताया, इसी पैरा पे अटैक होता हा? तो आर्थो पे अटैक हुआ, फिर जहां पर अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल वहीं से क्या निकलना है आपको, क्या निकलना है H+ को निकालना है, हाइड्रोजन को निकालना है बस। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजिनेशन, राइट देख लो यहाँ पे एक बार फिर से देखो, देखो राइट क्लोरोबेंजीन है, मतलब क्या होता बोले तो अपन रिएक्शन में क्या ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, कंटेनर में आपके कंटेनर में क्लोरोबेंजीन है उसके साथ में Cl2 है, ये कंटेनर है अपना इसमें क्लोरोबेंजीन है और Cl2 है और पास इनकी इसके कॉन्टेक्ट में क्या है FeCl3, तो ये FeCl3 पहला इसके साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म होता FeCl4 प्लस माइनस और Cl प्लस, राइट लिविस कैटलिस्ट यहां से Cl माइनस को निकाल लेता और इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जाके रिंग के ऊपर अटैक होता, राइट ठीक है हो गया हैलोजिनेशन समझ में आ गया। यस सर, अब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सेम एज इट इज कर लो, आपको सिलेबस में क्लोरीनेशन है मतलब समझ में आ गया ना, आपके पास लिख के नोटबुक में देखो आराम से देखो कुछ भी नहीं वहां पे, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन को जब आप क्लोरीन से रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड लाइक FeCl3 AlCl3 तो क्या फॉर्म होता है मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, आर्थो पे भी जा सकता और पैरा पे भी जा सकता वो, राइट अभी ये पहला होगा क्लोरीनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन राइट नाइट्रेशन बोले तो क्या है मेन पर्पस क्या है नाइट्रेशन का, जैसे कि हैलोजिनेशन में आपने बेंजीन के ऊपर किसको लाया हैलोजन को लाया, नाइट्रेशन में कौन से ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है आपको यन नाइट्रोजन, हाँ इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 हाँ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप राइट नाइट्रो ग्रुप को लाना है, तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट देता देखो एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड बोले तो क्लोरोबेंजीन ले लो ना भाई, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन लेना है आपको, क्लोरोबेंजीन को किसके साथ ट्रीटमेंट करना है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीटमेंट करना है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद आपको दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर में नाइट्रेटिंग मिक्सचर मंजे का रहे कुणाला मंत्र नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कुणाला मनायचा कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4, द मिक्सचर ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 द मिक्सचर ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, याद रख लो जब क्लोरोबेंजीन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड करते हो तो ये
ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर में से क्या जनरेट होता है, NO2 ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां पर अटैक होता है, क्लोरोबेंजीन में R2O के ऊपर और प्यारा के ऊपर, राइट। बस यही मतलब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा। अब हैलोजिनेशन में हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता, नाइट्रेशन में नाइट्रो NO2 ग्रुप जनरेट होता, और वही आर्थो और पैरा पे लगाना है, बस इतना ही करना है, राइट। तो आपको रिएक्शन दूंगा, देखो तो इसका नाम क्या है, वन क्लोरो टू नाइट्रो बेंजीन, राइट। यहाँ पर वन क्लोरो फोर नाइट्रो बेंजीन, राइट। तो अभी हो गया आपका, नाइट्रेशन भी हो गया। देखो अभी आपको लिखना है, देखो वेन, देखो वेन क्लोरो बेंजीन, वेन क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या फॉर्म होता है आपको, क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, ये तो रहेंगे। अब NO2 को कहाँ पे लगाना है आपको, R तो पोजीशन और पैरा पोजीशन, और बाय प्रोडक्ट क्या होता है H2O। सर कैसे आया सर, थोड़ा समझा के बताओ। बोले तो सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे Cl यहाँ पर का एक हाइड्रोजन दो, और यहाँ पर HNO3 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मालूम रहना, ये देखो ये है स्ट्रक्चर, राइट HNO3। तो सिंपल मैं बता रहा आपको समझने के लिए, ये तो H2O निकल गया, H2O निकलने के बाद क्या बचा, NO2 बच गया। ये R तो के ऊपर सेम रिएक्शन कहाँ पे होता, पैरा पर हो सकता ना, ऐसा सेम रिएक्शन ऐसा पैरा के ऊपर भी हो सकता ना, प्लस H2O निकला, देखो यहां पर भी H2O निकल गया। सो आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजिन पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजिन फॉर्म हुआ, आर्थो क्लोरो मैंने, तो फिर वन क्लोरो टू नाइट्रो बेंजिन, वन क्लोरो फोर नाइट्रो बेंजिन, इसमें मेजर कौन सा है, वन क्लोरो फोर नाइट्रो बेंजीन, राइट। पैरा वाला कभी भी मेजर समझो, क्यों बोले तो ग्रुप्स दूर दूर है, रिपल्शन कम होता है, इसलिए मेजर रहेगा वो, बट ऑलवेज पैरा कभी भी मेजर नहीं रहेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है कहां पर, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड आते हैं तो तब आर तो भी मेजर हो सकता, वो बाद में आने के बाद बताऊंगा मैं आपको, राइट। क्लोरिनेशन हैलोजिनेशन नाइट्रेशन समझ में आया, जल्दी से बोलो। यस, पहला क्या हुआ अपना हैलोजिनेशन, और दूसरा नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन नाइट्रेशन हो गया, तीसरा अभी सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या करना है, अरे इधर देखो हैलोजिनेशन में X को इंट्रोड्यूस करना है, हैलोजन को इंट्रोड्यूस करना है, हैलोजन को इंट्रोड्यूस करना है, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, और सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप, SO3 H ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। सेम एग्जांपल देखो, when क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसका भी सेम रिएक्शन आना, देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, Cl यहाँ पर एक H, इसका स्ट्रक्चर आना, थोड़ा स्ट्रक्चर अगर आया आपको तो बहुत इजी हो जाता आपको, ये देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर है, देखो H2 यस चार ऑक्सीजन,
बस बेटा यहाँ से H2O निकाल दो ऐसा, मतलब फिलहाल आपको समझने के लिए H2O निकाल दिए, क्या हो जा रहा देखो Cl। अब इधर बचा क्या है, OH निकलने के बाद बैलेंस क्या है यहाँ पे, एक सल्फर तीन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, देखो एक सल्फर तीन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन प्लस निकला क्या H2O राइट। तो ये होगा R तो H2O, R तो आ गया, नंबरिंग ऐसे देना है बेटा मोर प्रायोरिटी 1 2, सो 2 क्लोरो बेंजीन, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम इसी तरह कहां पर, एक कहां पर से निकालना है आपको, प्यारा, हाँ प्यारा से राइट। दूसरा अगर आपने किया तो आपको यहाँ पर Cl और यहाँ पर SO3H, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाँ राइट बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके राइट लिख लो। तीन हो गए ना, हैलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया और सल्फोनेशन भी हो गया, सिंपल है, नोटबुक में स्टडी करो, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, पीडीएफ में पूरा क्लियर दिया आपको लिख के। हाँ क्या करना है, हैलोजिनेशन में हैलोजन के साथ ट्रीटमेंट करना है, आपको लेना क्या है, आरिल हैलाइड लेना है, आप किसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, आरिल हैलाइड के, मतलब क्लोरीन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, मेजरली तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ही लेना, क्लोरोबेंजीन ले लिया। हैलोजिनेशन करना है तो X2 के साथ रिएक्ट करो, नाइट्रेशन करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और सल्फोनेशन करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बस पहले इसमें हैलोजन को इंट्रोड्यूस करना है आर्थो पैरा पे, दूसरे इसमें इस हैलोजन को इंट्रोड्यूस करना है, तीसरे इसमें NO2 प्लस को इंट्रोड्यूस करना है आर्थो पैरा पे, और तीसरे इस केस में SO3H न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल राइट। सो ये होगा आपके तीन रिएक्शन, हैलोजिनेशन नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अभी क्या है लास्ट है, फोर्थ वन लास्ट रिएक्शन, हाँ राइट वेरी गुड राइट 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 फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कुछ भी नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट एक साइंटिस्ट है, उसने रिंग के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया और असाइल ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस किया। जब वो असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको क्या बोलना, फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन असाइलेशन राइट। अब अल्काइलेशन में आपको अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, असाइलेशन में ये वाला असाइल ग्रुप बोलते इसको, दिस इज एन असाइल RCO असाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को आपको इंट्रोड्यूस करना है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, अब वो क्लोरोबेंजीन हो या फिर कौन सा भी हो राइट। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ऐसे दो रिएक्शन है, अगर आपको एक समझ में आया तो दूसरा भी आराम से समझ में आ जाएगा। देख लो अभी फर्स्ट वन राइट, समझो आपने क्या किया, फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बोलू नका जस्ट आय का बघा आपण काय घेतले, क्लोरोबेंजीन घेतले, वेन क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन हा ट्रीटेड विथ अल्काइल ग्रुप को लाना है ना आपको, तो आपको क्या करना है, मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करो, मिथाइल क्लोराइड
मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट, अल्काइल अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट करना है इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, अनहाइड्रस AlCl3, राइट। सेम थिंग जैसे आपने क्लोरीनेशन किया था उसी तरह आपको यहाँ से Cl निकालना है यहाँ से, राइट। Cl निकालने के बाद CH3 इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है और इलेक्ट्रोफाइल आर्थो के ऊपर और पैरा के ऊपर अटैक हो जाता है। बस सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ मिथाइल ग्रुप को आर्थो पे रखो और मिथाइल ग्रुप को कहाँ पे रखना है आपको, पैरा के ऊपर, राइट। प्लस निमो क्या करना है, HCl। तो इसका नाम क्या हुआ, बताया था मैंने, टोलिन। टोलिन खाली ओनली टोलिन नहीं है, आर्थो के ऊपर Cl है ना, क्लोरोटोलिन, आर्थो क्लोरो, क्लोरोटोल, आर्थो क्लोरोटोलिन। और इसका पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरोटोलिन, राइट। यह हो गया, क्लियर है। हाँ तो देखो स्टेटमेंट देखो, व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 लिविस कैटलिस्ट टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ आर्थोक्लोरोटोलिन एंड पैराक्लोरोटोलिन, सो मेजर प्रोडक्ट इज पैराक्लोरोटोलिन, राइट। सर ये कसा आला काय, कसा आला समझा नाही मला, तर सिंपल आहे बघा। आता सेम मेकॅनिझम अगर देखते हो इसका मैकेनिज्म, तो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बोलू नो का था, जस्ट आएगा इलेक्ट्रोफाइल। पहला क्या लिया आपने, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हाँ हीट क्या होता है, यहां से ये लेके जाते है इसको, मतलब ये लिविस एसिड है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, CH3+AlCl4- मिथाइल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ये कार्बोकैटायन है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, राइट। ये लिविस बेस हो गया, फिर ये क्या होता सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में ये क्लोरोबेंजीन है, ये वाला क्लोरोबेंजीन है, राइट। फिर यहाँ पे CH3+ अपना इलेक्ट्रोफाइल, बस ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर लो, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव पे अटैक, बस देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं किया डिस्टर्ब, यहाँ डबल बॉन्ड वैसी है, तो यहाँ पे कौन आया CH3 और यहाँ पे कौन सा चार्ज है प्लस। तीसरे स्टेप में क्या होता, रिमूवल ऑफ H+, जहां पर CH3 आया ना आपका, वहीं से आपको H को उड़ाना है, AlCl4- यहां से क्या रिलीज होता Cl- और यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो अपनी एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए यहाँ से H+ निकल जाएगा, फिर क्या हुआ यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन दे के H+ निकल गया ना, तो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3 एज इट इज है, निकला क्या, वो निकला यहाँ से H+ और यहाँ से लिविस बेस से निकला Cl-, तो HCl फॉर्म हो गया प्लस AlCl3 बाहर, खत्म, राइट। ओके यस आर नो, यस यस, ओके नेक्स्ट लास्ट, अभी लास्ट का है ये, आप करो ये, रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन रिडल क्राफ्ट असाइलेशन सिंपल है, आप क्या लेना है बोलो, सेम रिएक्शन है भाई, कुछ भी चेंज करना नहीं है, क्लोरोबेंजीन लिया, बस क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, वहां पे मिथाइल क्लोराइड लिया, आपको असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है ना, असाइल ग्रुप मीन्स RC डबल बॉन्ड हो दिस ग्रुप, ये ग्रुप को आपको लाना है, तो यही ग्रुप वाला एक एसिटाइल एक कंपाउंड ले लो, CH3 R की जगह CH3 लिया, C डबल बॉन्ड हो और Cl लिया, तो इसको एसिटाइल क्लोराइड बोलना, एसिटाइल क्लोराइड, हाँ इथेनॉइल, इथेनॉइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सेम अनहाइड्रस AlCl3, बस यहां से Cl निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया,
वो जाके आर तो और प्यारा पे अटैक, देखो यहाँ पे सीएल राइट, किधर से अटैक करना है, जहां जहां से सीएल निकल रहा है वही कार्बन पे प्लस आ रहा है, वो कार्बन से अटैच, सो सी डबल बॉन्ड वो सी एस थ्री, आर्थो पे अटैक हो गया, सेम अपॉर्चुनिटी सेम चांसेस कहां पे है, पैरा पोजीशन के ऊपर देखो राइट, सो ऐसे नाव का है ये आर्थो के ऊपर है ना, सो आर्थो क्लोरो बोलते हैं एसिटो फिनोन, एसिटो ग्रुप है और इधर फिनोन, और यहां पर पैरा क्लोरो एसिटो, हाँ पैरा क्लोरो एसिटो फिनोन राइट, वेरी गुड राइट, ये हो गया फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। देखो असाइल ग्रुप आया कि नहीं, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा लिख लो यहाँ पे आर सी एस थ्री को आर समझो, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वो, और ये इसको अटैच है देखो आ गया, सो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बोलो जल्दी, क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, सो दिस इज एन मेजर प्रोडक्ट, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है राइट। अगर आपको मैकेनिज्म होना तो सेम थिंग, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल AlCl3, जल्दी बताओ क्या होता है, यहाँ से ये लिविस एसिड है, ये पेर आप इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएंगे ऐसा, तो क्या फॉर्म हुआ देखो बेटा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड वो प्लस फॉर्म हो गया, प्लस AlCl4 माइनस निकल गया। अभी सेकंड स्टेप में पता है आपको जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक होता है, रिंग के ऊपर, देखो Cl प्लस CS3 C डबल बॉन्ड वो प्लस, अब ये किधर से अटैक होता वो मेन बात है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए, ये वाला कार्बन के इसके ऊपर अटैक हो गया, बस उसी उसी तरह अटैच कर दो, यहाँ पे Cl देखो किधर से अटैच किया आपने, इस वाले कार्बन से, सो देखो कार्बन डबल बॉन्ड वो, और इस कार्बन को क्या अटैच है CS3, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है प्लस। अब तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, जहां पे असाइल ग्रुप आया आया ना, वहीं से क्या निकालना है H प्लस, सो AlCl4 माइनस, यहां से क्या निकलता Cl माइनस निकल गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है प्लस, एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, यहाँ से निकल गया एच प्लस, तो आपका आंसर आया देखो सी एल, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड वो, और यहाँ पे सी एस थ्री प्लस निकला क्या एच सी एल प्लस AlCl4 कन्वर्ट इन टू AlCl3 कैटलिस्ट, तो ये हो गया देखो 1 2, इसको ऐसे ही बोल सकते 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन या फिर आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन राइट। ओके समझ में आ गया, यस सर, झाले ना आपले चार रिएक्शन, आता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए चार एग्जांपल दिया मैंने, पहला वाला हैलोजिनेशन, हाँ दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, लास्ट वन फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। अब इसमें दो है फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन बोल के बोल देने का, इसमें दो है फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, एक मिनट बोलो ना,